ये ले भाई, ये कहाँ आ गए हम? पहले चीन, इटली, अमेरिका और अब भारत दर्शन करेंगे। सही है भाई, बहुत दूर आ गए। अब जरा चलो चल के यहाँ का माहौल देख लेते हैं। वैसे मौसम ठंडा ही है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तू तो ऐसे ही डर रहा है। अब वैसे मुझे क्या पता कि यहाँ तक अब्बा आ चुकी हो, क्योंकि हमने इतने देशों में आतंक जो मचा रखा है। सही, एक बार इससे पूछते। भाई तूने कोरोना का नाम सुना है? ये बीमारी बहुत सी देशों में फैल रही है। वैसे ही कोई और, ये तो इंडिया में भी यही आ गई है। क्या कहाँ है कोरोना, यहाँ नहीं चलने वाली? क्यों, ऐसा क्यों? ये देखो दवा, वो पैक सुबह, दो पैक शाम, क्या कर लो कोरोना। चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ तो लोगों को हमारा डर ही नहीं है, लगता है लोग हमें यहाँ मजाक समझ रहे हैं। चलो चल के किसी और से पूछते हैं। ये तो शराबी बेवड़ा था, ये थोड़ा समझदार लग रहा है। आओ इससे पूछते। भाई आपने कोरोना वायरस का नाम सुना है? कोरोना वायरस? हाँ, कोरोना वायरस वही बीमारी जो चीन से और देशों में फैल रही है। कौन सा वायरस? लगता है इसे नहीं पता। भाई कोरोना वायरस भाई यहाँ कैसे आ सकता है? वो ये सब उसी के लिए तैयारी तो कर रहा हूँ, ये हवन कर रहा हूँ ना, इससे वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। लगता है मस्का मार रहा है। मस्का नहीं मार रहा, जहाँ जहाँ इसका धुआं जाएगा वहाँ वहाँ तक शुद्धिकरण होती रहेगी। कोरोना यहाँ कोई हमें दारू से भगा रहा है तो यहाँ कोई हमें हवन के धुएं से भगा रहा है। लगता है यहाँ किसी को हमारा डर नहीं है। C90 का मतलब हमारा प्रकोप यहाँ बहुत तेजी से फैलेगा। जब ये लोग सावधानी ही नहीं बरतेंगे तो हमें फैलने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हें अपना काम करने दो और हम अपना काम करते हैं। अबे ये क्या हो रहा है, ये देख। अबे यार ये मैडम तो रायता फैला रही है, लगता है कि हम लोग यहाँ नहीं टिक पाएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो चलते हैं, लगता है यहाँ नहीं हो पाएगा हमारा काम। कोरोना वायरस जो कि चीन, इटली जैसे अनेक देश में फैल चुका है, लगभग 1,00,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब भारत में कई जगहों पर ये अपनी दस्तक दे चुका है, जैसे आगरा, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, केरल समेत जैसे अन्य जगहों पर इसने अपने संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को इस वायरस से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कुछ सावधानी है और आप अपने आप को, अपने परिवार को और इस वायरस को अपने शहर में फैलने से रोक सकते हैं। अफवाहों से बचें और थोड़ी सी सावधानी से इस कोरोना वायरस को आप दूर भगा सकते हैं। आप जब भी बाहर निकलें हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखें, मास्क को हमेशा साथ रखें और किसी से भी बात करें तो 1 मीटर की दूरी से बात करें और भीड़ वाली जगह से जाने से बचें। कहीं पर भी अगर जाना पड़े तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके बहुत मामूली से लक्षण हैं, खांसी, जुखाम, बलगम और बुखार आना, बदन में दर्द होना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। घर में साफ सफाई बन के रखें, अपने वातावरण में साफ सफाई बना के रखें, किसी से मिले हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब चीजें ना करें जब तक ये वायरल दूर नहीं हो जाता। अपने डॉक्टर को सलाह लिए बिना कोई भी दवाई ना लें, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।